अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू MCPS ऑनलाइन क्लासेस। हेलो चिल्ड्रंस, टुडे वील डू चैप्टर 5 मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न एंड फाइंड आउट मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। ओके, इन प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न अबाउट मल्टीप्लीकेशन टेबल एंड मल्टीपल्स। We shall also discuss about LCM and HCF. Okay, LCM and HCF of two or more numbers. LCM का मतलब क्या होता है? Least common multiple. सबसे छोटा common multiple is LCM. HCF is highest common factor. सबसे high common जो factor होता है, that is HCF. ठीक है? Suppose now here it is written, write down the multiplication table of given numbers. Okay, अगर यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो इसके multiplication table क्या होगा? आपको सबको पता है 5 का multiplication table क्या होता है, 5, 15, 20, 25, 30, ये सब 5 का multiple है. Same 7 का अगर हम करेंगे तो 7 की table हो जाता है, that is 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21. तो like this, अगर हमको ये क्वेश्चन आता, राइट डाउन द मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ गिवन नंबर्स, तो वी शुड नो कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टेबल नंबर इज, वी हैव टू राइट ऑल द गिवन नंबर्स. सेम, इफ अ मल्टीपल इज रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ नंबर ऑफ 1, 2, 3, 4, नॉट अ फ्रैक्शन. ओके, अगर हम किसी भी 1, 2, 3, 4 को, इफ दे आर मल्टीपल्स ऑफ 1 × 2 = 2, 2 × 2 = 4, बट दीज आर नॉट अ फ्रैक्शन. ऑल मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर एग्जैक्टली डिविजिबल दैट नंबर. आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल आई विल शो यू. सपोज आई हैव टेकन 28. 28 के मल्टीपल्स क्या क्या हैं? तो 1 × 28, सबसे पहला मल्टीपल क्या है उसका? 1 × 28 = 28. फिर 2 × 14 विल बी 28. मतलब कि अगर हम 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 28 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली डिवाइड होगा बाय 14. तो उसका मल्टीपल क्या हो गया? 2 × 14 = 28. सिमिलरली 28 को हम 4 को हम 7 से करेंगे तो 28 आएगा, और उसको हम जब ऐसे ही डिवाइड करके देखेंगे तो वो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा. तो दीज आर ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 28. तो 28 के अगर हम फिर फैक्टर्स अगर हम देखेंगे तो फैक्टर्स किस तरीके से हमको देखना होगा? सबसे पहले हमने 28 का मल्टीपल्स कौन से? 1 × 28, 2 × 14, 4 × 7, 7 × 4. दीज आर सबसे 28 ही आ रहा है ना. अब फैक्टर्स हमको कैसे पता चलते हैं कि इसके फैक्टर्स कौन से हैं? तो 1, 2, 4, 7, देन वी विल टर्न. यू टर्न लेंगे हम 14 और 28. तो 28 के कितने फैक्टर्स हैं? 1, 2, 4, 7, 14 और 28. ओके, दीज आर ऑल द फैक्टर्स ऑफ 28. राइट डाउन द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स. दीज यू हैव टू डू इन योर कॉपीज. ठीक है, 1 आई विल शो यू हाउ टू डू, 2 यू विल डू इन योर कॉपीज. फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स. ऑलवेज लिसन द क्वेश्चन प्रॉपरली एंड देन राइट द आंसर. फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, 3 के पहले 5 जो मल्टीपल्स हैं वो आपको लिखने हैं. फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 आर 6, 9, 12, 15 और 18. इट मीन्स 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15 and 3 × 6 = 18. 1, 2, 3, 4, 5. These are the first 5 multiples of 3. Similarly, you have to do of 6,
and 12, first 5 multiples. Okay, now we will discuss writing numbers as multiples. In this chart, mark square on every multiple of 3 and mark circle on every multiple of 4. See children, यहाँ पे ये 1 to 100 का चार्ट दे रखा है. आपको इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए 3 का जो मल्टीपल है उसको हम स्क्वायर करेंगे एंड जो भी 4 का मल्टीपल है उसको हम सर्कल करेंगे. तो नाउ सी, 3 वन जा 3 स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है. 3 टू जा 6 अगेन स्क्वायर, 3 थ्री जा 9 अगेन स्क्वायर. ओके, 4 का मल्टीपल क्या है, 4 वन जा 4 सर्कल लगा दिया 4 पे, 4 टू जा 8 अगेन सर्कल ऑन 4, 4 थ्री जा 12 अगेन सर्कल ऑन 12. सिमिलरली यू विल कंप्लीट दिस चार्ट बाय डूइंग सर्कल्स, बाय मार्किंग सर्कल्स एंड स्क्वायर्स. सो लाइक दिस यू कैन नो द टेबल ऑफ 3 एंड 4 एंड यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4. Based on the above chart, answer the following questions. What is the smallest multiple of 3? इस चार्ट को देखते हुए आपको ये पता लगाना है, इसके आंसर्स लिखने हैं. तो डू दिस एज होमवर्क इन योर नोटबुक. दीज आर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्वेश्चंस आर देयर. डू दिस एज होमवर्क इन योर नोट कॉपीज. फॉर टुडे ओनली दिस This much I will discuss about multiples. Today again we will do exercise. Tomorrow again we will do exercise 5.1. Till then, thank you and goodbye.